हेलो दोस्तों, मैं हूं नवीन कुमार और आप देख रहे हैं वाईफाई दोस्त चैनल। जी हां दोस्तों, मैं आज आपसे बात करने वाला हूं अमेजन फ्लिपकार्ट के बारे में। जी हां, फ्लिपकार्ट अमेजन का क्या चल रहा है, कब तक डिलीवरी देगा। अगर आप लोग ऑर्डर कर चुके हैं, अगर आप लोग मोबाइल फ़ोन ऑर्डर करने वाले हैं तो आपके घर डिलीवरी कब तक मिलेगा, इन सभी सारी जानकारी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। क्योंकि आप सभी को पता चल ही चुका होगा कि 17 मई तक अब लॉकडाउन घोषित हो चुका है। तो अब क्या होगा, अमेजन फ्लिपकार्ट अब कब चालू होगा, क्या चालू होगा, और आप लोग जो ऑर्डर कर चुके हैं उसका क्या होगा, आपको घर तक कब पहुंचेगा, पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और चैनल पे नए चैनल पे पहली बार विजिट किए, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिएगा। तो मैं अब आपको बता दूं कि अमेजन फ्लिपकार्ट क्या कर रहा है। जितने भी लोगों ने अमेजन फ्लिपकार्ट से सामान ऑर्डर कर दिया, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, टीवी, फ्रिज, हेडफोन, ब्लूटूथ, अगर आप लोग ऑर्डर कर चुके होंगे तो उन सब का क्या होगा, जो कि अभी बात चल रही है। सूत्रों से पता चला है कि अब फिर जो कि मैंने अगले वीडियो, मैंने बहुत सारे वीडियो बना चुका हूँ इस सब अमेजन फ्लिपकार्ट के बारे में, जो कि मैंने बोला था कि 3 मई के बाद से यह डिलीवरी देने वाला, जो कि मैंने यहां आपको बताया था, और जो कि अब फिर 17 मई तक लॉकडाउन घोषित हो चुका, जो कि अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। जी हां, आप सिंपल भाषा में समझ लीजिए, जितने भी लोगों ने मतलब ऑर्डर कर दिया है उन लोगों का ऑर्डर घर तक पहुँचेगा। आपको चिंता की कोई बात नहीं, जितने भी लोग ने मोबाइल फ़ोन ऑर्डर कर चुके हैं उसके घर ऑर्डर पहुंचेगा। अब देखने वाली बात यह है कि अभी आपके एरिया में डिलीवरी शुरू हुआ या नहीं हुआ, जो कि 17 मई तक लॉकडाउन घोषित है, जो कि हमारे एरिया में अभी कोई भी प्रोडक्ट्स का ऑर्डर अभी डिलीवरी नहीं दे रहा है। मैंने अपने एरिया में चेक किया, मेरा अभी कोई भी एरिया में अभी डिलीवरी नहीं दे रहा है। तो अब आप लोग को करना क्या है, आप लोग को कुछ नहीं करना है, आप लोग को वेट करना है। जी हाँ, लॉकडाउन देखिए, अभी पूरे दुनिया में महामारी फैला हुआ है, तो इस महामारी से बचने के लिए भारत सरकार ने लॉकडाउन घोषित किया। तो बस आप लोगों को लॉकडाउन का पालन करना पड़ेगा। और लॉकडाउन के बाद जी हाँ, फिर अमेजन फ्लिपकार्ट अपने सर्विस को शुरू करने वाले हैं, जो कि आप लोग घबराइए नहीं, जो कि अगर आप लोग जो भी प्रोडक्ट्स को मंगाना चाहते हैं, जो भी सामान को खरीदना चाहते हैं, अमेजन फ्लिपकार्ट उसमें से बीच में एक है। तो आप लोग घबराइए नहीं, आपका प्रोडक्ट जितनी भी आप लोगों ने ऑर्डर किया है, जितने ने कैंसिल कर दिया, जिसका अभी तक पैसा फंसा हुआ, जिसका पैसा भी आया नहीं है उसके बैंक अकाउंट में, तो उन लोगों को घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सभी का पैसा उसके बैंक अकाउंट में आएगा। प्लस जिनका भी ऑर्डर कंफर्म हो चुका था, उसका डिलीवरी अभी तक नहीं मिला है, उनका डिलीवरी उनके घर तक पहुंचेगा। तो बस आपको वेट करना होगा कि लॉकडाउन फिर से 17 मई तक घोषित हो चुका है, तो बस आप लोग को लॉकडाउन ख़त्म होने का इंतज़ार करना होगा। और हो सके कि पता चल रहा है कि बात चल रहा है कि 17 मई के पहले मतलब अपना डिलीवरी शुरू करवाने के लिए जोर दिए जा रहे हैं। जी हाँ, कंपनी के सूत्रों से पता चला है कि 17 मई के पहले से इन लोग सोच रहे हैं कि जल्द से जल्द प्रोडक्ट मतलब डिलीवरी शुरू किया जाए, ऑर्डर फिर से पूरा मतलब बिजनेस फिर से पूरा सर्विस शुरू कर दिया जाए, जितने भी ग्राहकों को दिक्कत आ रही उन सभी प्रॉब्लम का सॉल्व हो, जो कि पता चल रहा है कि जल्द से चालू करने वाला। अगर बीच में चालू अगर मतलब कर देते हैं तो उसका भी आपको अपडेट मैं अपने चैनल पे दूंगा। अगर आपको इस लॉकडाउन के बाद अपडेट आता है उसका भी मैं आपको अपडेट देने वाला हूं। क्या मतलब चालू करने कब वाला है, जब एग्जैक्टली चालू हो जाएगा तो उसका भी मैं आपको अपडेट दूंगा, जो कि अभी बीच में अगर बात चल रही है कि इसे मतलब 17 मई के पहले अपने सर्विस को शुरू करने के लिए, अगर 17 मई के पहले शुरू हो जाती है तो आपको हमारे चैनल पर अपडेट मिल जाएगा, और अगर 17 मई के बाद होता है तो उसके अपडेट भी आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा। तो इसके लिए बस आपको करना क्या होगा कि चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके मतलब रखिए। इससे क्या होगा कि आप हर जानकारी का अपडेट मतलब अपडेट आपके मोबाइल फ़ोन पर मिल पाएगा। यही जानकारी आपके लिए था। और जितने भी लोगों ने ऑर्डर कर दिया है उसका प्रोडक्ट नहीं पहुँचा, उन लोगों को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, उनके घर प्रोडक्ट पहुँचेगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको वीडियो से कुछ भी नॉलेज कुछ भी जानकारी मिला होगा तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा दिए। साथ ही आप हमसे कोई भी पर्सनली बात करना चाहते हैं, हमसे कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो हम मिलेंगे आपको इंस्टाग्राम पे आप जाएँ, हमें फॉलो करें, लिंक वीडियो के नीचे मिलेगा, तो हमें जाकर फॉलो करें, हमसे कोई भी सवाल बात कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं इसी तरह अच्छे वीडियो पर। जय हिंद, वंदे मातरम।